students, welcome to Inside Biology classes. I am Dr. Shilpi Kumari. How are you? I think कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी. Today we will going to discuss about the diversity in the living world. और इस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे what is biodiversity, what is the basis for the classification, that means taxonomy के बारे में जानेंगे, nomenclature, identification, phylogeny, domain और भी बहुत सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे. हमने अपने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था? अबाउट द लिविंग थिंग्स. व्हाट इज लिविंग थिंग्स? व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा, 100% आपका एनसीईआरटी उसमें कवर हुआ था. बिल्कुल इसी तरह से आज के वीडियो में भी, आज का भी वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है और 100% एनसीईआरटी कवर होगा. बट बियॉन्ड एनसीईआरटी भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ आपके सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहेगा. जो स्टूडेंट्स मेरे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ, तो आप है ना डेफिनेटली उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा. और उस क्योंकि ये जो सेकेंड लेक्चर है वो भी उसी से अटैच्ड है, उसी का पार्ट है. तो फर्स्ट लेक्चर आप अगर अच्छे से उसको समझ लेंगे, सेकेंड और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा. साथ ही साथ इन माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने काफी सारे नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे टिप्स बताए हैं, स्ट्रेटजी बताए हुए हैं, जो कि आपको रियली बहुत हेल्प मिलेगा उससे. और हाँ, मुझे काफी अच्छा लगा कि मेरा फर्स्ट वीडियो काफी अप्रिशिएट किया गया, मुझे काफी प्राउड फील हुआ. और रियली इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. आई होप कि आपको आज का भी लेक्चर बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, अनदर नेम इज, इन शॉर्ट व्हाट वी कॉल इट, डेफिनेटली हम इसे बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं. बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन. सो वेरिएशन ऑफ लाइफ इज सेड टू बी द बायोडाइवर्सिटी. बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस. द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री. Systematics and monumental description of the life forms brought in out of necessity, detailed system of identification, nomenclature and classification. The biggest spin of such studies was the recognition of the sharing of similarities among the living organism both horizontally and the vertically. इतने सारे ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस अर्थ पे अप्रोक्सीमेटली 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं. तो इतने सारे स्पीसीज के बारे में स्टडी करना वो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसी से आप अंदाजा लगाओ. सपोज कि अगर आप बुक्स रख रहे हो, अगर बुक्स को सिस्टमैटिकली आप अरेंज करते हो तो उसको निकालना कितना इजी हो जाता है, वेरी सिंपल. और जैसे फिजिक्स की बुक को एक जगह रख दिया, केमिस्ट्री एक जगह, बायो एक जगह, तो इसको आपने क्या किया, क्लासिफाई करके रख दिया. तो आपकी स्टडी सिंपल हो जाएगी, आपको जिस समय जो भी बुक चाहिए वो इजीली जंबल अगर रहेगा तो इट इज सो मच डिफिकल्ट. बट अगर आप इसको सिस्टमैटिकली प्लेस्ड किए रहेंगे तो आप इजीली जो आपको पढ़ना है वो बुक आप निकाल लोगे बहुत इजीली. बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहां भी है. ये जो हमारा जो डाइवर्सिटी है, इतने सारे जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं, आप देख लो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा बहुत सारे हैं. स्पॉन्जेस, प्लेटीहेलमेंथस, एसके हेलमेंथस, निमेटोड्स जिसको बोलते हैं, देन इकाइनोडर्म्स से लेके कोडाटा में देख लें, प्लांट्स में देख लें, एनिमल्स में देख लें, लोअर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म, लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो उसको कैसे हम सिस्टमैटिकली स्टडी करेंगे? तो इसके लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नीड पड़ा कि हम हाउ वी कैन क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर मैनर.
So, biodiversity, diversity in the living world, or the biodiversity is the occurrence of a wide variety of life forms differing in morphology, size, color, anatomy, habitats, and habit. So, the number of species known and described 1.7 to 1.8 million. Imagine कीजिए कितने ज्यादा नंबर में ये ऑर्गेनिज्म है. This refers to biodiversity or the number and the types of organism present on earth. So, taxonomy. It is a branch of biology in which we deals about the identification, nomenclature of the living organism and their classification on the basis of their similarities and differences. So, taxonomy kya hua? Taxonomy. It is a branch of science in which we deals about the classification. So, this is said to be the taxonomy. It was the Swiss-French botanist Augustin Pyramus de Candolle in the year 1778 to 1841 who coined the word taxonomy, the science of naming and classifying of organism. Naam yaad rakhiyega, NEET ke point of view se bahut important hai, scientist ka naam. Second is systematics. It has taken from the Latin word systema, means systematic. Placing of organisms into group or the taxa on the basis of certain relationships between the organism or study of principles and procedures of classification. Ye systematics mein hum kya batate hain? It is basically placing of organism into the group. Jitne bhi organism hai, unko ek particular group mein dal diya, ya ek taxa mein dal diya, on the basis of certain features, like kuch similarities wale agar ek tarah ke hain, feature wale hain, to unhe ek group mein rakh diya. कुछ में डिफरेंट फीचर्स हैं उन्हें दूसरे ग्रुप में डाल दिया. तो इस तरह से जो क्लासिफिकेशन हम कर दिए, मतलब जो किया जाता है वो सिस्टमैटिसिटी को बताता है, यानी सिस्टमैटिक्स को बताता है, राइट? और क्लासिफिकेशन में इजी हो जाता है, क्लासिफिकेशन करना बहुत सिंपल हो जाता है. इट वॉज कैरोलस लीनियस. कैरोलस लीनियस टैक्सोनॉमी में इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. कैरोलस लीनियस, इट वॉज कैरोलस लीनियस who used this word first in his book Systema Naturae. This is also very very important because kai baar ye medical mein question pucha hua hai, who wrote the book Systema Naturae? Carolus Linnaeus. The term new systematics was proposed by Sir Julian Huxley in the year 1940. Process of taxonomy. Actually, there are some steps involved in the processes of taxonomy. One is categorization, second is identification, third is classification, and then nomenclature. So let's come one by one. First thing is characterization. Characterization, what is the meaning? It is the understanding of characters of organisms such as external and internal structure, structure of cell, development processes, ecological informations. These are basically the characteristic features of the particular group of organisms, that is said to be the characterization. So first step mein agar hum classification ki baat kar rahe hain, to I mean taxonomy ki baat kar rahe hain, to taxonomy ke jo processes hain usme first step aapka characterization aata hai. To characterization ke basis pe hum kya kar sakte hain? Characterizations mein hum different characters jo organisms ke hain उनको एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेपरेट आउट करते हैं, उसके स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को कंसीडर करते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस, दीज ऑल आर इसको गैदर किया जाता है यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन में. सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन. सो आइडेंटिफिकेशन, इट इज द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम, प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ की. ये एक पर्टिकुलर की के थ्रू इसको कंप्लीट किया जाता है. सो इट इज, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? हमने इसको कोई पर्टिकुलर ग्रुप को आइडेंटिफाई किया, तो उसका जो पहले जो हमने कैरेक्टराइज किया, जो उसकी कैरेक्टर्स को के बेसिस पे उसको सेपरेट आउट किया, देन उसको आइडेंटिफाई करके सेट असाइड किया कि ये ग्रुप थोड़ा डिस्टिंक्ट है, ये ग्रुप डिस्टिंक्ट है. सो इट इज फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम्स. तो उसको मतलब अब आइडेंटिफाई जब हो गया है तो हमें इसका नाम फाइंड करना होगा, इसके लिए नेमिंग करना होगा.
So this is carried out by determining the similarities with already known organism. जिससे organism को हम already जान रहे हैं कि ये particular group से belong करता है. Let's suppose X, Y, Z. ये कोई different species या different group of organism है. एक और कोई group का, let's P कोई group का आ गया organism. But वो जो P जो आया वो अगर Y से similarity रख रहा है तो हम इस P को कहाँ पे रखेंगे? Y में रख देंगे. तो यहाँ पे क्योंकि पहले से हमें पता है, हमने कैरेक्टराइज कर रखा है ऑलरेडी कि ये पर्टिकुलर ग्रुप इस ग्रुप का है, इसके फीचर्स ये हैं, एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स, सेल के स्ट्रक्चर्स, और इस बेसिस पे हम इसको सेपरेट आउट कर दिए. ठीक है, तो बहुत इजीली हम इसको प्लेस कर देंगे. तो दिस इज सेड टू बी द आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया. नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन. इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, दैट इज द टैक्सा बेस्ड ऑन कैरेक्टर. अब पहले से पता ही चल गया कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि हाँ ये कौन से ग्रुप का है, किस ग्रुप में है ये ऑर्गेनिज्म, और सारा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें पता है क्योंकि फर्स्ट स्टेप में कैरेक्टराइजेशन आ गया था. देन हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया. अब उसको हमको क्लासिफाई करना है कि भाई ये जो ग्रुप है उसको हमको सेट असाइड करना है, इस ग्रुप को इससे सेपरेट आउट करके रखना है. तो यहाँ पे जो ये जो ग्रुपिंग है, इट इज द बेसिकली ग्रुपिंग, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरी दैट इज टैक्सा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स. सो इट इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वेंशनल कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर. अब जब हमने कैरेक्टराइज कर लिया, कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने डिसाइड कर लिया कि पर्टिकुलर इस ग्रुप का ये कैरेक्टर है, ये है, ये है, ये है, दिस डैट, जो भी मतलब सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हो, एनाटॉमी के बेसिस पे हो, वट एवर जो भी है, कैरेक्टराइजेशन हो गया. उसके बाद हमने उसको आइडेंटिफाई किया. आइडेंटिफिकेशन में क्योंकि पहले से नोन कैरेक्टर्स पता है तो हमने उसको ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया कि भाई हाँ आइडेंटिफाई हो गया कि ये जो फलाना ऑर्गेनिज्म जो है इसकी सिमिलैरिटीज इस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ है, जैसा कि मैंने एग्जांपल में भी आपको बताया था एक्स वाई जेड मान के. तो उसको उसमें प्लेस कर दिया. तो कैसे प्लेस किया, यानी उसके कैरेक्टर्स को ऑलरेडी हम ना समझ चुके हैं कि ये कैरेक्टर, दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इज सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे उसको प्लेस कर दिया. देन उसके बाद उसको क्लासिफाई कर दिया, ग्रुप को क्लासिफाई करके रख दिया. Now, अब किस चीज की नीड हुई, अब हुई nomenclature की. Latin word nomen, nomen means name. So nomenclature is naming system, that is the nomenclature simply. And this single word is taken from the two Latin word. One is nomen means name and calere means call. यानि उसको किस नाम से आप call करोगे, that is the naming system. Or the nomenclature. It is the science of providing distinct and proper names to organisms so that they can be easily recognized and differentiated from the other. अब naming system हम क्यों करते हैं? ताकि आप अगर उसका particular organism का नाम डाल दिए तो उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से सेपरेट करना इजी हो गया, रिकॉग्नाइज करना इजी हो गया, आप इजिली उसको आइडेंटिफाई करके रिकॉग्नाइज कर लिए. तो नेमिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. किसमें? टैक्सोनॉमी में. Through nomenclature, each organism is given a two-word name, that is a generic and a specific. For example, if we are talking about the mango, mango बहुत common है, और mango की बहुत सारी varieties है, ठीक है? तो mango तो simple common name mango हो गया fruit का. Scientific name में हम इसे Mangifera indica कहते हैं. और ये Mangifera indica, Mangifera represent the name of genus and इंडिका रिप्रेजेंट द नेम ऑफ स्पीसीज. अब इतने सारे स्पीसीज हैं तो ये स्पीसीज चेंज हो सकता है बट जेनस सेम रहेगा. जेनस मैंगीफेरा होगा, इट मीन्स कि ये मैंगो को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, ऐसे ही पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा लियो, तो पेंथेरा जेनस है जो रिप्रेजेंट कर रहा है. पेंथेरा टिग्रिस टाइगर का साइंटिफिक नेम है, पेंथेरा लियो लायन का साइंटिफिक नेम है, बट दोनों की स्पीसीज डिफर है, एक में लियो है, एक में टिग्रिस है ना. तो मतलब हमने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नेम कर दिया, नेमिंग दे दिया. और नेमिंग सिस्टम देने का मतलब है हमने उसको
उसका नॉमेनक्लेचर किया और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब का एक स्पेसिफिक जो है नाम है, साइंटिफिक नेम है, और ये साइंटिफिक नेम में बेसिकली उनको दो नाम दिया जाता है, एक उनके जेनस का नाम और एक स्पीसीज का नाम. बॉटनिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन द रूल्स प्रोवाइडेड इन द इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज ICBN. अब देखिए प्लांट्स बॉटनी के अंदर आएगा, एनिमल्स जियोलॉजी के अंदर आएगा, बट ये जो नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम है ऑल अबाउट, तो जितने भी बॉटनिकल नेम्स हैं उनको एक इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस किया गया है और उसके लिए दिया क्या गया है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज ICBN. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एब्रिविएशन कई बार पूछा हुआ है. ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. लाइक दैट जूलॉजिकल नेम आर बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज ICZN. याद रहेगा, डेफिनेटली याद रहेगा. नीड फॉर क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द नीड फॉर द क्लासिफिकेशन, सिंपली टू ऑर्गेनाइज द वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स and animals and microorganisms into the category that could be named, remembered, studied and understood. Okay? Study of one organism of a group gives the idea about rest of the members of that group. Classification allows us to understand diversity better. Classification करने से diversity को हम और अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि किस तरह का diversification हो रहा है. History of classification. In the 3rd and the 4th century BC, Aristotle and the other categorized organism into the plant and animal. अगर हम starting से देखें तो Aristotle सबसे पहले entire organism को दो group में बांट दिए, ठीक है, एक को plant बोल दिया, एक को animals बोल दिया, बस यही दो group. Hippocrates, the father of medicine, listed organism with medicinal value. उन्होंने क्या किया कि इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, सो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे जिनका मेडिसिनल वैल्यू था उनको उन्होंने कैटेगराइज किया था. एरिस्टोटल एंड हिज स्टूडेंट थियोफ्रेस्टस इन द ईयर 370 टू 282 BC मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स विदाउट स्ट्रेसिंग देयर मेडिसिनल वैल्यू. दे ट्राई टू क्लासिफाई द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस of their form and habitat. Aristotle और Theophrastus, Aristotle को father of zoology कहा जाता है, इनका जो ज्यादातर work जो था वो animals related था, ठीक है, और Theophrastus को father of botany कहा जाता है. इन्होंने plants के ऊपर में work किया और interesting बात ये है कि Theophrastus Aristotle के शिष्य थे. So उन्होंने क्या बनाया, तो उन्होंने classify किया organism को without stressing their medicinal value. They try to classify the plants and animals on the basis of their form and habitat. It was followed by the Pliny and the Adler in the year 23 to 79 AD, who introduced the first artificial system of classification in his book Historia Naturalis. उन्होंने अपने इस बुक में artificial system of classification को बताया था. John Ray, an English naturalist, introduced the term species for the first time for any kind of the living things. John Ray का contribution भी बहुत ही important है. उन्होंने species के बारे में बताया था, term species को दिया था. So it was then Carolus Linnaeus, the Swedish naturalist of the 18th century, now known as a father of taxonomy, डेवलप द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था और मोस्ट एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, व्हिच इज करेंटली अगर हम देखें तो ये साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग है किसी भी स्पीसीज को. इन हिज बुक स्पीसीज प्लांटरम इन द ईयर 1753 ही डिस्क्राइब्ड 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड इन सिस्टमा नेचर 1758 He described 4,200 species of animals. यानी species plantarum, ये book किसकी है? Carolus Linnaeus की है, जिसमें उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया, he described the 5,900 species of plants and systema nature में कितना बताया? उसमें 4,200 species of animals के बारे में report किया गया. Now, what are the advantage of the classification?
ये क्लासिफिकेशन करने का एडवांटेज क्या है? क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस आइडेंटिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म इजीली. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है. इट मेक्स स्टडी ऑफ सच वाइड वेराइटी ऑफ बायो लाइफ इन सिस्टमैटिक मैनर एंड इट हेल्प अस लर्निंग डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज अमंग देम. इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक वे. Actually, this classification, the most important advantage of the classification is basically it provides a systematic way to identify known and unknown organisms. Classification systems are adapted internationally. This aid communication between the scientists. For example, जैसे आप potato की बात करें, तो potato common name में हम इसको potato बोलते हैं. हिंदी में आलू बोलते हैं. डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, नॉट मैं अभी अब्रॉड की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इंडिया की अगर बात कर रही हूँ तो इंडिया के भी डिफरेंट स्टेट्स में आलू को डिफरेंट नाम से कॉल किया जाता है. लाइक मुंबई में बटाटा कहा जाता है और भी पता नहीं डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट नाम है. बट जरा सोचिए, अगर इसका एक कॉमन नेम नहीं होता सोलेनम ट्यूबरोसम, कोई साइंटिस्ट अगर आए या किसी फॉरेनर या कोई डिफरेंट स्टेट के कोई पर्सन आते हैं, तो वो तो वही जो उनका जो कॉमन नेम है उस पर्टिकुलर प्लेस में उस पर्टिकुलर आलू के लिए या पोटैटो के लिए, तो उस नाम से उसको जानते हैं. कोई साइंटिस्ट अगर आए और साइंटिस्ट आपस में बात कर रहे हैं, उनको अगर हम ऐसे बोलेंगे कि सर आप पोटैटो लेंगे, तो शायद वो पोटैटो नहीं समझेंगे या आलू लेंगे, क्योंकि ये जो एक जो कॉमन नेमिंग सिस्टम जो दिया गया है वो इन बातों को ध्यान में रख के दिया गया है कि कॉमन नेम एक ही होगा, वो उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा. एंड दैट इज द बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम व्हिच वाज गिवन बाय द कैरोलस लिनियस. So, इस पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम है, जिसमें सोलेनम नेम ऑफ जेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्यूबरोसम इसके स्पीसीज को बता रहा है. सो द साइंटिफिक नेम ऑफ द पोटैटो इज सोलेनम ट्यूबरोसम. मैंगो की बात करें, मैंगीफेरा इंडिका. हियर मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द नेम ऑफ जेनस एंड इंडिका रिप्रेजेंट द नेम ऑफ स्पीसीज. तो ये साइंटिस्ट के लिए भी काफी इजी हो गया कम्युनिकेशन के लिए. और वर्ल्ड वाइड सबका, हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो या कोई एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सबका कुछ कोई ना कोई साइंटिफिक नेम है और वो कॉमन नेम है. सो क्लासिफिकेशन सिस्टम आर अडेप्टेड इंटरनेशनली एंड दिस एड कम्युनिकेशन बिटवीन द साइंटिस्ट. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम. बाय मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम, नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग सिस्टम. सो नोमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम. नोमेनक्लेचर क्या है? It is basically the giving the scientific name to the plants and animals. Carolus Linnaeus advised a binomial system of nomenclature in which an organism is given two names. One, a generic name which it shares with other closely related organisms, which has features similar enough to place them in the same group. So, generic name kya batata hai? Uske name of genus ko bata raha hai. So, generic name which it shares with other closely related organism, yani closely related species ki baat ho rahi hai, which has features similar enough to place them in the same group. Second is species. So, a specific name which distinguished the organism from all other species. No other organism can have the same combination of genus and species. Suppose, jise maine kaha Panthera tigris, पेंथेरा लियो, पेंथेरा पार्डस. जीनस तो कॉमन हो गया, पेंथेरा पेंथेरा पेंथेरा, बट स्पीसीज में वेरिएशन देख रहे हैं. पेंथेरा टिग्रिस बोल रही हूं, इसका मतलब टाइगर के बारे में बताया जा रहा है. पेंथेरा लियो बोल रही हूं, इसका मतलब लॉयन के बारे में बताया जा रहा है. पेंथेरा पार्डस, लेपर्ड के बारे में बोल रही हूं. तो यहां पे क्या हम लोग देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं जीनस सेम है पेंथेरा, बट स्पीसीज में वेरिएशन है. सो स्पेसिफिक नेम विच इज डिस्टिंग्विश्ड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल अदर स्पीसीज, नो अदर ऑर्गेनिज्म कैन हैव द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ जेनस एंड स्पीसीज. मतलब जेनस और स्पीसीज एकदम सेम नहीं होगा. सो द साइंटिफिक नेम डिराइव्ड बाय यूजिंग द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज दे आर गाइडेड बाय अ सेट ऑफ रूल्स स्टेटेड इन द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर. यूनिवर्सल रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? अब ये अभी तो सब क्लियर हो गया. जितने भी ऑर्गेनिज्म है, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही बात करें,
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात कर रहे हैं लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का नाम है जो कि ट्यूबरक्लोसिस काउज करते हैं। साल्मोनेला थाइफी साइंटिफिक नेम है, साल्मोनेला इज जीनस, थाइफी इज नेम ऑफ स्पीसीज। निसेरिया गुनेहरी, निसेरिया इज जीनस एंड गुनेहरी इज द नेम ऑफ स्पीसीज। लाइक प्लांट्स में देखें तो अगर हम बात करें राइस और राइस जैसा टाइवा, वीट ट्राइटिकोमास्टिवम, मेज जिया मेज। एनिमल्स में बात करें तो अभी कितने सारे नाम तो ऑलरेडी मैंने बता रखे हैं, पैंथेरा पार्डिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस। दीज ऑल जितने भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लोअर प्लांट टू हायर प्लांट, लोअर ऑर्गेनिज्म हायर ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका एक पर्टिकुलर नेमिंग सिस्टम दिया हुआ है। और वो कौन से सिस्टम में आता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में आता है। नाउ यूनिवर्सल रूल ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स आर, मतलब ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखने का एक स्पेसिफिक रूल है, कैरोलस लिनियस ने बताया था, साइंटिफिक नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखोगे वो लैटिन में होगा, और जब आप उसको लिख रहे हो तो नेम तो होगा लैटिन में बट लिखिएगा आप किसमें? इटैलिक फॉर्म में। द फर्स्ट वर्ड इज जीनस, नेम जेनेरिक। जो फर्स्ट वर्ड आता है वो जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है, यानी कि नेम ऑफ जीनस को बता रहा है। एंड द सेकेंड वर्ड इज द स्पीसीज नेम, दैट इज द स्पेसिफिक एपिथेट, दैट मीन्स रिप्रेजेंट द नेम ऑफ स्पीसीज। When handwritten, the name are underlined. जब आप handwritten में लिख रहे हो तो ये दोनों नेम आप सिंगल लाइन में नहीं, जेनस के नीचे एक लाइन और स्पीसीज के नीचे भी अंडरलाइन, तो इस तरह से आप इसको लिखोगे, ये इसका रूल है। द नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक, अगर आप प्रिंट ले रहे हो तो वो इटैलिक फॉर्म में होना चाहिए, शुड बी इटैलिक। द फर्स्ट नेम जेनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड नेम स्पीसीज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। बहुत ही सिंपल है, जो नेम ऑफ जीनस है उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा, जो नेम ऑफ स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटेन इन एन एब्रिविएटेड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैंगी फेरा इंडिका लिन, वॉट इज द मीनिंग? मैंगी फेरा रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द जीनस of mango and indica represent the name of the species and lin linnaeus, jinhone iski iska naming kiya hai unka naam yahan pe after species ke baad likha ja raha hai। So mangifera indica lin ka meaning yahi hua। So it indicates that this species was first described by linnaeus, yani is species ko sabse pehle kisne describe kiya? लीनियस ने किया, इसीलिए मैंगीफेरा इंडिका लीनियस ये लिखा जाता है। हियर वी कैन सी अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स विथ साइंटिफिक नेम्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स और द एनिमल्स, लेट्स सी वन बाय वन। दिस इज मैंगो, ठीक है, मैंगो कॉमन नेम है, एज यू नो जेनेरिक नेम मैंगीफेरा एंड द स्पेसिफिक एपिथेट नेम ऑफ स्पीसीज इज इंडिका। और यहाँ पे आप लिखने का पैटर्न देखो, ये इटैलिक में लिखा हुआ है, प्रिंटेड फॉर्म इटैलिक में है सारे के सारे, राइट? और जो जेनेरिक नेम है आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, इट मस्ट बी कैपिटल, सो एम इज कैपिटल हियर। एंड इन द केस ऑफ द स्पीसीज एपिथेट और द नेम ऑफ स्पीसीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं इंडिका है, और इंडिका का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? वो स्मॉल है। ऑलवेज उसको कैसे लिखेंगे? स्मॉल लेटर से लिखेंगे, राइट? अंडरस्टैंड? लाइक दैट पोटैटो सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम इज जेनेरिक नेम एंड नेम ऑफ स्पीसीज इज ट्यूबेरोसम। मेज जिया मेज, लॉयन पेंथेरा लियो, पीपल हियर पीपल फाइकस रिलिगोशा, मॉडर्न मैन होमोसैपियंस, कैट फेलिस डोमेस्टिकस, टाइगर फेलिस टिग्रिस, कैट फेलिस डोमेस्टिकस लेकिन टाइगर फेलिस टिग्रिस, हनी बी एपिस इंडिका, रबर प्लांट फाइकस इलास्टिका, हाउस क्रॉ कॉर्वस एस्प्लेंडेंस।
और मैं सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि मैथ्स टू मैथ्स आप साइंटिफिक नेम जहां जो भी आपके जिस जिस चैप्टर में आ रहे हैं उसको आप डेफिनेटली माइंड में रखना, क्योंकि साइंटिफिक नेम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो वो तो आने ही चाहिए. जैसे कि मेज है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइक हनी बी है, देन मैंगो है, पोटैटो है, तो ये सबका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए. नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. अब हम लोग ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं क्लासिफिकेशन का नीड क्यों पड़ा, क्या उसके स्टेप्स हैं, तो ये सारे एस्पेक्ट को हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया. नाउ कम टू द पॉइंट नेक्स्ट टर्म, दैट इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. लेट्स सी स्पीसीज, जेनस. लेट्स सी हियर, दिस इज द स्पीसीज, दिस इज जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ, ये जो सीक्वेंस है बिल्कुल आपको इसी सीक्वेंस इसी मैनर में याद रखना है. लोअर टू हायर, कई बार क्वेश्चंस हायर टू लोअर पूछता है, तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उस अकॉर्डिंग आंसर करना, क्योंकि स्टूडेंट्स जल्दबाजी में आकर के मोस्ट ऑफ द टाइम वो आता हुआ क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं, आंसर गलत लगाते हैं. तो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ये हायरार्की है और इसको इसी वे में आपको माइंड में रखना है. स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. हाँ, अगर एनिमल के बारे में बात हो रही है तो एनिमल के लिए हम फाइलम यूज करते हैं, बट अगर प्लांट बॉटनी में हम कुछ स्टडी कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट के पूरे हायरार्की का, तो वहां पे फाइलम यूज ना करके डिवीजन यूज किया जाता है, इस बात को भी माइंड में रखिएगा. सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज व्हाट क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप्स रिप्रेजेंट अ रैंक, दैट इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और द टैक्सोन. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट मीन्स हायरार्की, अ सीरीज, अ सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक, लाइक स्पीसीज. Look here, species, genus, family, order, class, phylum. In the case of the animal, in the case of the plant, we use division and then kingdom. So, largest rank kaun sa hoga? Answer hoga? The answer is kingdom. And the smallest rank is species. All categories together constitute the taxonomic hierarchy. Each taxon represent a unit of classification. ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. थोड़ा सा हटके मैं बता रही हूं, जैसे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन मीन्स टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी के यूनिट को हम क्या बोलेंगे या क्लासिफिकेशन के यूनिट को क्या बोलेंगे, व्हाट वी कॉल इट टैक्सोन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो म्यूटेशन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ म्यूटेशन इज म्यूटोन. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जीन is called सिस्टोन. Smallest unit for recombination is recon. तो बिल्कुल ये term एकदम match करके याद रखिएगा, taxon, म्यूटोन, recon, सिस्टोन. So this is basically the smallest unit or taxon is represent a unit of classification. So unit of classification is taxon, unit of mutation is म्यूटोन, unit of gene is सिस्टोन, unit of recombination is recon. याद रहेगा, definitely याद रहेगा, I hope. Let's see, this is the taxonomic hierarchy of, in this slide basically what we can see here taxonomic hierarchy of in the case of plant and taxonomic hierarchy in the case of animal. So let's start. The first is taxonomic category of plant. In the case of plant, mango plant का लिया गया है. जैसा कि आप देख रहे हो ये मैंगो प्लांट है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एवरीबडी नोज नाउ, मैंगिफेरा इंडिका. यस, किंगडम प्लांसी. डिवीजन, एम्ब्रियोफाइटा और एंजियोस्पर्मी. डिवीजन माइंड में रखिएगा, अगर प्लांट के बारे में बात हो रही है तो फाइलम यूज नहीं करेंगे, फाइलम एनिमल्स के केस में यूज होता है. डिवीजन फॉर प्लांट, सो एम्ब्रियोफाइटा इज डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांसी. किसके लिए बात हो रही है, मैंगिफेरा इंडिका यानी कि मैंगो के लिए. सो डिवीजन इज एम्ब्रियोफाइटा, एंजियोस्पर्मी. क्लास डाइकोटाइलिडनी. ऑर्डर सेपिंडल्स. फैमिली एनाकार्डिएसी, एसीई. ये लगा हुआ है ना, आप इसे समझ जाना, अंडरस्टैंड कर लेना, ये नेम ऑफ फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. जीनस मैंगिफेरा एंड स्पीसीज इंडिका. तो बहुत इजिली आप इसको समझ गए,
किंगडम से हमने स्टार्ट किया, लार्जेस्ट टैक्सोन से स्टार्ट किया, किंगडम प्लांसी, डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा दैट इज एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटाइलेटनी, ऑर्डर सेपेनिटल्स, फैमिली एनाकार्डियेसी, जीनस मैंगिफेरा एंड स्पीसीज इंडिका. नाउ स्विच करती हूँ अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ एनिमल. ओके, सो एनिमल के केस में देखते हैं, जैसे कि किंगडम एनामारिया है, फाइलम कॉर्डाटा, क्लास मैमेलिया मैमल, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली अर्सिडेई, जीनस अर्सस एंड स्पीसीज अर्सस आर्कटॉस आर्कटॉस. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जितने भी हैं किंगडम एनिमेलिया में, ये जितने भी मेंबर्स आप देख रहे हो, ये ग्रिजली बेयर, ब्लैक बेयर, जेन पैंडा, रेड फॉक्स, स्क्विरल, स्नेक, ये जो भी हैं, ये सारे के सारे किंगडम एनिमेलिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और किंगडम एनिमेलिया में जो फाइलम कॉर्डाटा है, कॉर्डाटा फाइलम को बता रहा है. देखिए एनिमेलिया में स्टारफिश भी है, लेकिन स्टारफिश इज एकैनोडर्मेटा, दैट्स व्हाई इसको हमने जैसे ही कॉर्डाटा में आ गए तो ये स्टारफिश को नहीं लिया गया. क्लियर? सो किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डाटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली अर्सिडेई, जीनस अर्सस, स्पीसीज अर्सस आर्कटॉस. अब हम समझेंगे वन बाय वन, व्हाट इज स्पीसीज, व्हाट इज जीनस, व्हाट इज फैमिली, व्हाट इज ऑर्डर, लाइक दैट. स्पीसीज, स्पीसीज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. एकदम इस लाइन को याद रखना है, स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज. It is defined as a group of individuals which resemble in their morphological and reproductive characters and interbreed among themselves and produced fertile offspring. If same species के बीच breeding होता है, वो interbreed करते हैं, तो fertile offspring को produce करते हैं. But different species के बीच में अगर breeding होता है, तो वो sterile को produce करते हैं. एक तो वो ऐसे natural संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बट आर्टिफिशियली किया जाता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल मूल है. दिस इज द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज विच वॉज प्रपोज बाय अर्नेस्ट मेयर. अर्नेस्ट मेयर, बोर्न ऑन 5th जुलाई 1904 इन कैम्पटन जर्मनी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एज यू नो, जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, आप बिल्कुल उसी पैटर्न पे एनसीईआरटी को पढ़ना, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है. बिकॉज अभी जो मैं ये बता रही हूँ अर्नेस्ट मेयर के बारे में, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में, जैसे ही ये टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है, आप देखना इसके फर्स्ट पेज में, फ्रंट में ही अर्नेस्ट मेयर के बारे में दिया हुआ है. मोस्टली स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं, साइंटिस्ट के बायोग्राफी को और मेन जो टेक्सुअल पोर्शन है उसको वो पढ़ते हैं, रीड करते हैं. लेकिन कई बार साइंटिस्ट का नाम, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उन्होंने क्या दिया, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं और आते हैं, पूछा जाता है. अब जैसे स्पीसीज का डेफिनेशन, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन, वो अर्नेस्ट मेयर ने दिया. और अर्नेस्ट मेयर को जो थे वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, इन्हें 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है. जैसे डार्विन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को दिया था, उनकी एक बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ठीक इसी तरह 20वीं सदी के जो डार्विन है वो अर्नेस्ट मेयर कहे जाते हैं. और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी इज अर्नेस्ट मेयर. पॉइनर, द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीसीज. मेयर वॉज अवॉर्डेड द 3 प्राइजेस वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी. ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से सम्मानित किसे किया गया, तो आंसर होगा अर्नेस्ट मेयर. The Belgian Prize in 1983, the International Prize for Biology in 1994, and the Crawford Prize in 1999. Mayer died at the age of 100 in the year 2004. Now come to the genus. It is the aggregate of the closely related species. ये aggregation है closely related species का. It consists of a group of related species which has more characters in common in comparison to species of the other genera. For example, potato, tomato, brinjal.
ये जितने भी हैं, इनका एक कॉमन जेनस है, क्या है? सोलेनम। लॉयन पेंथेरा लियो, लेपर्ड पेंथेरा पाजस, टाइगर पेंथेरा टिग्रिस आर द स्पीसीज ऑफ जेनस पेंथेरा। ये तीन डिफरेंट स्पीसीज हैं, यानी एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, दिस इज जीनस। व्हाट वी कैन सी हियर, सेम जीनस दैट इज द पेंथेरा फॉर लॉयन लेपर्ड एंड टाइगर। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स फेलिस डोमेस्टिकस। नाउ कम टू द नेक्स्ट टैक्सॉन दैट इज द फैमिली स्पीसीज जीनस फैमिली। व्हाट इज फैमिली? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, जैसे aggregated group of species from the genus. Like that, it is a group of related genera which less number of similarities as compared to the genus and the species. और जैसे जैसे हम hierarchy में lower to higher जाएंगे तो similarities हमें कम मिलना शुरू होगा, वो कम होना शुरू हो जाता है। जैसे जितने ही similarities आपको genus के level पे मिलेगा उतना family में नहीं मिलेगा, उतना फिर उससे कम आपको order में मिलेगा, तो ये ग्रेजुअली ये कम होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली सोलेनेसी इंक्लूड जेनस सोलेनम, जेनस पेटूनिया एंड जेनस थटूरा। अब ये तीन जेनस हैं, तीन डिफरेंट जेनस हैं, लाइक जेनस सोलेनम है, जेनस पेटूनिया है एंड जेनस थटूरा है। बट इसमें फैमिली इसके लिए क्या है, कॉमन है, सोलेनेसी फैमिली। ये तीनों प्लांट्स के लिए सेम फैमिली रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसका नाम है सोलेनेसी। So family Solanaceae include the genus Solanum, genus Petunia, genus Datura. Now come to the order. Order kya hai? It is the assemblies of related families. For example, order Polymoniales include family Convolvulaceae and family Solanaceae. Ab ye do alag alag family hai, but uske liye common order hai, Polymoniales. Order Carnivora include family Felidae and Canidae, that is dog. यहाँ पे family Felidae and Canidae, इसके लिए common order क्या है, carnivora है। तो यहाँ पे क्या हुआ, assemblies of the related families, यानी related families को assemble कर दिया तो order बन गया। Now class, it is the assemblies of the related orders. Example order Primata, Carnivora, Insecta are placed in the क्लास ममेलिया। अगर हम बात करें ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर कार्निवोरा, इन सब को प्लेस कहां किया, क्लास ममेलिया में। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स एंड द ऑर्डर सेपेनिडेल्स, इनको प्लेस कर दिया गया क्लास डाइकोटाइलेडनी में। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि क्लास कॉमन हो गया ना, ममेलिया एंड डाइकोटाइलेडनी फॉर द डिफरेंट ऑर्डर के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइलम और द डिवीजन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सम प्लांट्स, प्लांट्स में फाइलम यूज नहीं करेंगे, उसके लिए डिवीजन यूज करेंगे। और अगर एनिमल के लिए बात हो रही है तो वहां पे फाइलम यूज होगा। फाइलम इज बेसिकली इट इज असेंबलीज ऑफ द रिलेटेड क्लासेस। इन द केस ऑफ एनिमल क्लासेस लाइक एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एप्स, मैमल, मैमेलिया, दीज ऑल कम्स अंडर द फाइलम, सेम फाइलम Chordata। Chordata का जो फीचर्स है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। लाइक अगर हम प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट में जैसे क्लास डाइकोटाइलेडनी, क्लास मोनोकोटाइलेडनी, और इसको प्लेस किया जाता है अंडर द सेम डिविजन, दैट इज एंजियोस्पर्मी, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये इसका डिविजन है। तो हमेशा इस बात को माइंड में रखिएगा कि जहां पे फाइलम आता है वो एनिमल के लिए यूज होता है और डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज होता है। नाउ कम टू द किंगडम, लार्जेस्ट कैटेगरी, द असेंबलीज ऑफ वेरियस फाइला, इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी। ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। एनिमल की अगर बात करें तो फॉर एग्जाम्पल किंगडम प्लांसी, किंगडम एनिमेलिया। Clear? Now look here. Common name. Here we can see some common names like man, housefly, mango, wheat. In जितने भी ये organisms के name दे रखे हैं, ये common name है, इसका biological name, that means the scientific name, name of genus, family, order, class, phylum and division. So man, Homo sapiens. Scientific name is Homo sapiens.
Name of genus is Homo. Name of species is Sapiens. Family, Hominid. Order, Primata. Class, Mammalia. Phylum or division, क्या यूज होगा? Animal है, तो definitely phylum होगा. Phylum Chordata. Housefly, Musca domestica. Scientific name for the housefly is Musca domestica. Name of genus is Musca. Family, Musidae. Order, Diptera. Class, Insecta. And phylum, Arthropoda. Mango, Mangifera indica. Genus, Mangifera. Species, Indica. Family, Anacardiaceae. Order, Sapinidales. Class, Dicotyledoneae. And phylum or division? What do you think? Definitely division, because we are talking about plant. Mango is a plant. So, Angiospermy. Wheat, Triticum aestivum. Name of genus is Triticum. Name of species is aestivum. Family, Poaceae. Order, Poales. Class, Monocotyledoneae. Phylum or division, Angiospermy. यहाँ पे phylum use नहीं करेंगे, division use करेंगे. Division, Angiospermy है. Now come to the phylogeny. जब भी आपके सामने ये word अगर आपको कभी face करना पड़े, तो आप क्या समझोगे phylogeny से? Evolutionary relationship को बताता है. ये evolutionary आधार को बताता है, right? So the evolutionary history of a particular taxon like the species is called the phylogeny. The classification based on the basis of evolution is called phylogenetic classification. Phylogenetic classification is not always possible since there are several gaps in the fossil records which forms the basis of the phylogenetic studies, and also evolution is never unidirectional. Now come to the three domain of life which was given by the Carl Pooch. But इसे समझने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट देना चाहूंगी जो R.H. Whittaker ने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था. ये आगे के टॉपिक में मैं कवर कराऊंगी, फाइव किंगडम सिस्टम, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में. बट उसका थोड़ा रेफरेंस मैं यहाँ पे आपको जस्ट ब्रीफ कर रही हूं. R.H. Whittaker इन द ईयर 1969 ही गेव द फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन. इन्होंने इंटायर ऑर्गेनिज्म को फाइव डिफरेंट किंगडम में क्लासिफाई किया था. मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांसी एंड एनिमालिया. मोनेरा में इन्होंने सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को प्लेस कर दिया, यानी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कम्स हियर. प्रोटेस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. फंजाई मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, वन एक्सेप्शन जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था. यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंगस इज ईस्ट. यस, बिल्कुल सही कहा, ईस्ट. नाउ नेक्स्ट किंगडम प्लांसी, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर. किंगडम एनिमालिया, मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक. बट इन्होंने R.H. Whittaker का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, फाइव किंगडम सिस्टम, उसमें एक ड्रॉबैक भी था. उन्होंने सेपरेट नहीं किया था आर्की बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, जो कि देयर आर थ्री डोमेन ऑफ लाइफ व्हिच वाज गिवन बाय द कार्ल पूच इन द ईयर 1990. जो Whittaker में ड्रॉबैक था, उन्होंने आर्की बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, उसको सेम मोनेरा में डाल दिया था. तो कार्ल पूच ने क्या किया, उन्होंने डोमेन सिस्टम कर दिया, एंटायर किंगडम को तीन डोमेन में बांट दिया. और फर्स्ट डोमेन इज आर्किया, सेकेंड इज यू बैक्टीरिया एंड थर्ड वन इज द यू कैरिया. आर्किया, यू बैक्टीरिया, यू कैरिया, ये तीन डोमेन में इन्होंने इसको बांटा. सो ऑल ऑफ द लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू द थ्री डोमेन व्हिच टेल यू द टाइप ऑफ सेल इनसाइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. द थ्री डोमेन्स आर आर्किया, बैक्टीरिया एंड यू कैरिया. जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्किया, यू बैक्टीरिया एंड यू कैरिया. आर्किया में ऑल टू ऑल आर्की बैक्टीरिया लाइक मेथनोजेन, थर्मोसिडोफिल, हैलोफाइल, जो ये वो बैक्टीरिया है जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया कंसिडर किए जाते, तभी तो आर्की बैक्टीरिया है.
और साथ ही साथ ये जो बैक्टीरिया हैं, ये एक्सट्रीम कैलमिटीज में सर्वाइव करने वाले हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे वो सर्वाइव करते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया आ गए, यानी इसमें ये सारे के सारे बैक्टीरिया को रख दिया, ये एक डोमेन हो गया। सेकेंड था यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में ऑल टू ऑल ट्रू बैक्टीरिया इन विच ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ब्लू साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन अल्गी एंड माइकोप्लाज्मा। तो किस किस ऑर्गेनिज्म को इसमें प्लेस किया गया? ट्रू बैक्टीरिया डेट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्गी, साइनोबैक्टीरिया। अनदर नेम इज साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्गी का दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया होता है, एंड माइकोप्लाज्मा। इन सबको इसमें प्लेस कर दिया। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज यूकेरिया, जिसमें सारे के सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे। इसका मतलब हुआ कि ये जो दो डोमेन है, आर्की बैक्टीरिया, आर्किया एंड यू बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक्स में शामिल है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो अब यूकेरिया जो एक सेपरेट किंगडम है, उस किंगडम मतलब सेपरेट डोमेन है, तो इस डोमेन में जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया, तो उसमें रेस्ट जो चार किंगडम जो कि विटेकर ने रखा था, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमालिया, किंगडम प्लांसी। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं, ये चार किंगडम तो ऐसे ही हो गए, एक हो गया यू बैक्टीरिया 5 एंड आर्की बैक्टीरिया 6, तो ओवरऑल 6 किंगडम का कॉन्सेप्ट आ गया। सो इट इज प्रपोज्ड बाय कार्ल हूस इन द ईयर 1990, हु आल्सो प्रपोज्ड द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेट्स लुक हियर, ये एक सिंपल फ्लो चार्ट है, बस आप इसे माइंड में रखना और मेमोराइज करना। डोमेन, डोमेन 3 डोमेन विच वॉज गिवन बाय द कार्ल हूस इन द ईयर 1990, आर्किया, यू बैक्टीरिया, यू कैरियोटा। आर्किया एग्जाम्पल आर्की बैक्टीरिया, जैसा कि अभी मैंने बताया, मेथेनोजेन, थर्मोएसिडोफिल, हैलोफाइट, सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया को यहाँ प्लेस किया गया। लेकिन यू बैक्टीरिया, यू कैन सी हियर द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया, ऑल काइंड ऑफ ट्रू बैक्टीरिया लाइक ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ये सारे के सारे इसमें प्लेस किए गए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आर्की बैक्टीरिया, आर्किया की बात कर रहे हैं, तो आर्किया में आर्की बैक्टीरिया आ गया, और ये आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। तो इसमें एग्जाम्पल में मेथनोजेन, थर्मोएसिडोफिल, हेलोफाइल है। यू बैक्टीरिया में ऑल टू ऑल ट्रू बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, साइनो बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें आर्किया की बात हो या यू बैक्टीरिया की बात हो, दीज ऑल आर, ये बोथ जो है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब बचे यूकैरियोटिक, तो एक अलग डोमेन में यूकैरिया को रखा गया, यानी कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, और इसमें क्या क्या आते हैं, तो किंगडम प्रोटेस्टा, माइकोटा डेट मीन्स फंजाई, प्लांसी एंड एनिमालिया। तो ओवरऑल व्हाट वी कैन सी हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 किंगडम सिस्टम को कार्ल हूस ने दे दिया। उन्होंने 3 डोमेन का कॉन्सेप्ट दिया, और इसी के साथ अगर इसको और ज्यादा इलस्ट्रेट करें तो फाइनली क्या कंक्लूजन निकलता है, 6 किंगडम सिस्टम विच वॉज गिवन बाय द कार्ल हूस। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट म्यूजियम, हार्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन और भी बहुत सारी चीजें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल करना ना भूलिए।